आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में जिसकी मदद से आप बचा सकते हैं अपने आईफोन के स्टोरेज को और जितना भी कैश मेमोरी है या अननेसेसरी स्टोरेज है उसको क्लियर कर सकते हैं अपने आईफोन पे। तो यार क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूँ डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेटिंग है वो है आईफोन स्टोरेज में और ये है आपका सिस्टम डेटा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है आपको जाना है सेटिंग्स ऐप में, उसके बाद जाना है आपको जनरल में और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा आईफोन स्टोरेज का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आना है नीचे लास्ट ऑप्शन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम डेटा है वो है अप्रोक्सीमेटली 11.12 GB जो कि काफी ज्यादा है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसका टेक्निक बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ रीस्टार्ट करना है आपका आईफोन। आप अपने आईफोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं पावर बटन की मदद से या आप जा सकते हैं जनरल पे और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शट डाउन का और यहाँ से आप अपने आईफोन को शट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने रीस्टार्ट कर दिया है मेरा आईफोन और अब आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम डेटा है वो है 9.94 GB। अगला जो सेटिंग है वो भी आईफोन स्टोरेज में ही है लेकिन यहाँ पे आप जा सकते हैं इंडिविजुअल एप्स में और देख सकते हैं कि किस ऐप ने कितना स्टोरेज यूज किया है। तो यहाँ पे दोबारा मैं आईफोन स्टोरेज वाले सेक्शन में हूँ और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी ऐप। तो यहाँ पे एक ऐप है जिसका नाम है GoPro क्विक, जो GoPro का ऐप है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऐप का साइज है वो है 242 MB और जितना डॉक्यूमेंट और डेटा है उसका साइज है 4.63 GB। तो इसको क्लियर करने के लिए आप आ सकते हैं यहाँ पे नीचे, प्रेस कर सकते हैं एडिट पे और इंडिविजुअली इन फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे ऊपर और उसके बाद डिलीट कर सकते हैं इस ऐप को और उसके बाद दोबारा रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अगला जो सेटिंग है वो है ब्राउजर हिस्ट्री और ये काम करता है सफारी और क्रोम पे। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना है सफारी वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा, इसको आपको प्रेस कर देना है। नेक्स्ट आपको जाना है नीचे और यहाँ पे एडवांस्ड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको जाना है वेबसाइट डेटा वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है रिमूव ऑल वेबसाइट डेटा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसकी मदद से आप सेव कर सकते हैं काफी स्पेस अपने आईफोन पे। अगर आप एक क्रोम यूजर हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है और नीचे यहाँ पे तीन डॉट्स हैं, इस पे हम करेंगे क्लिक और इसके बाद हम प्रेस करेंगे ऑप्शन हिस्ट्री का और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, इस पे हम करेंगे प्रेस और यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। आप चूज कर सकते हैं एक टाइम रेंज, इसके अलावा आप चूज कर सकते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज, कैश मेमोरी, सेव पासवर्ड्स या ऑटोफिल डेटा, इन सारी चीजों को। और इसके बाद नीचे ऑप्शन है क्लियर ब्राउजिंग डेटा। और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।